हेलो फ्रेंड्स, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग फाइन। इस चैनल पे हम लोग अब क्लास 9th से लेके 12th तक के जावा प्रोग्राम्स को सीखेंगे, कैसे जावा हम लोग क्या क्या सिलेबस में सारी चीज़ें सीखेंगे। तो एक कोर्स हमने स्टार्ट किया था जिसमें हम बेसिक से जावा एडवांस तक सीखने वाले थे। तो अगर उस स्टार्टिंग के लेक्चर्स की आपने वीडियो नहीं देखी है, उसमें थियोरिटिकल पार्ट है, तो वो आप देख लेना और आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा या मैं डिस्क्रिप्शन में भी लिंक डाल दूंगा। लास्ट वीडियो में उस कोर्स की हमने देखा था कि कैसे हम प्रोग्राम को डायरेक्टली और ब्लूजे के थ्रू कंपाइल कर सकते हैं और उसको रन कर सकते हैं। आज हम क्या सीखेंगे, आज हम बेसिकली एक छोटा सा प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल सा। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो हम उसको सीखेंगे, अदरवाइज अगर आप लोगों को पता है बेसिक प्रोग्राम कैसे बनता है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। तो इसमें हम सीखेंगे एक बेसिक सा प्रोग्राम बना के, एक लाइन हम प्रिंट कराएंगे, दैट्स इट। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में सीख लेंगे टोकन्स, कीवर्ड्स, थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट, और फिर हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेके प्रोग्रामिंग की एक्चुअल प्रोग्रामिंग में स्टार्ट करेंगे और फिर एडवांस लेवल तक, क्लास 12th तक के लेवल तक जाएंगे। तो सबसे पहले ये मैंने ब्लूजे ओपन किया हुआ है, आई होप आप लोगों के पास भी ब्लूजे इंस्टॉल्ड होगा। तो नहीं है तो आप लास्ट वीडियो को देखिए, कैसे इंस्टॉल करते हैं सब आपको पता चल जाएगा। थोड़ी ओल्ड वीडियो है, हो सकता है ब्लूजे का लेटेस्ट वर्जन कुछ और हो, लेकिन प्रोसेस सेम रहेगा। आप जब ब्लूजे इंस्टॉल कर लेंगे, प्रोजेक्ट अपना क्रिएट कर लेंगे, देन हम यहाँ पे न्यू क्लास पे क्लिक करेंगे। कुछ ऑलरेडी मेरे प्रोग्राम्स बने हुए हैं, यहाँ पे हम एक सपोज टेस्ट नाम से लिख देते हैं क्लास का नाम, और टी हमेशा क्लास के नेम में कैपिटल होता है, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल होता है। अब इसको हम ओपन करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी कुछ स्टेटमेंट्स हैं, कुछ लाइन ऑफ कोड है, इसको हम इरेज कर देंगे। सबसे पहले क्या होता है कि हमें इम्पोर्ट एक कीवर्ड है, उसको लिखना पड़ता है इम्पोर्ट जावा डॉट आई ओ और ये स्टार। इट मीन्स क्या है, लाइन बाय लाइन बता देता हूँ। इम्पोर्ट एक कीवर्ड है, जावा डॉट आई ओ पैकेज हो गया, यानी हम जावा डॉट आई ओ पैकेज को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और स्टार का मतलब है उस पैकेज के अंदर जितनी भी क्लासेस हैं सारा हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अभी क्योंकि ये बेसिक प्रोग्राम है, इसके अलावा हम कोई भी पैकेज को इम्पोर्ट नहीं करेंगे। इसके बाद हम लिखेंगे क्लास और क्लास का जो भी नेम है वो, ओके। देन फिर हमारा जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है प्रोग्राम का वो लिखेंगे, जो कि होता है मेन मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और ये हमारा मेन मेथड होता है। इसके अंदर सारा प्रोग्राम लिखा जाता है, इसके आगे कोई भी सेमी कॉलन नहीं लगेगा, तो ये हम लोग लिखेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, सपोज हमें एक लाइन प्रिंट करनी है। लाइन प्रिंट करने के लिए इसका सिंटेक्स होता है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। प्रिंट का मतलब है सेम लाइन में होगा, अगर ln लगा दिया तो प्रिंट होने के बाद नेक्स्ट लाइन पर कर्सर आ जाएगा। यहाँ पे हम कोट्स ओपन करेंगे और कोट्स में जो भी हमें स्ट्रिंग लिखनी होगी या लाइन लिखनी होगी जो प्रिंट करानी है वो लिख देंगे। जैसे जनरली लोग हेलो वर्ड लिखते हैं, लेकिन हेलो वर्ड नहीं, हम लिखेंगे आई लाइक कंप्यूटर साइंस, और इन्वर्टेड कॉमा या कोट्स को हम क्लोज कर देंगे, देन ब्रैकेट क्लोज करेंगे और सेमी कॉलन। ये प्रोग्राम पूरा हो गया, यहाँ पे हमारा मेन मेथड क्लोज हो जाता है, यहाँ पे क्लास क्लोज हो जाती है। इसको हम यहाँ से कंपाइल करेंगे, और अगर यहाँ पे आ गया क्लास कंपाइल नो सिंटेक्स एरर, इट मीन्स आपका प्रोग्राम बिल्कुल सही है, इसमें कोई एरर नहीं है। इसको रन करने के लिए आपको क्या करना है, जस्ट अपनी क्लास पर राइट क्लिक करना है, वॉइड मेन पे क्लिक करना है, और ये आई लाइक कंप्यूटर साइंस, ये आपका प्रिंट हो गया। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो पर, या आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट को कवर करेंगे, देन विल मूव ऑन टू द प्रोग्रामिंग सेक्शन।